छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लव जिहाद पर मचे बवाल के बाद बड़ा बयान दिया है। जांजगीर चांपा के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर भाजपा सांसद हेमा मालिनी और भाजपा नेताओं के बेटे बेटियों की शादी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी में कितने ऐसे नेता है जिनके बेटे बेटियों ने दूसरे धर्म के लड़के और लड़कियों के साथ शादी की है, उसको लव जिहाद मानते हैं या नहीं। भूपेश बघेल ने कहा कि व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने धर्म बदलकर शादी की थी। भारतीय जनता पार्टी बताया कि वो हिंदू है या मुसलमान है और यदि गलत है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीति करने के लिए लव जिहाद का कानून बनाया जा रहा है। लव जिहाद की बात वो कह रहे हैं तो लव जिहाद में तो पहले यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी जितने नेता लोग हैं जिनके बेटे बेटियां दूसरे धर्म के लड़के लड़कियां से शादी किए हैं तो उसको लव जिहाद मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरी बात, यदि व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्मांतरण करके शादी किए हैं हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी, ये लोग शादी किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पहले बताया कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, क्योंकि वो धर्मांतरण करके ही उन्होंने शादी की है। तो यदि ये गलत है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, उनके सांसद हैं वो। तो क्या केवल राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए आप इस लव जिहाद के नाम से कानून बना रहे हैं?